समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव मंगलवार को अपने समाजवादी विजय रथ के साथ जौनपुर पहुंचे। यहां जगह जगह भारी भीड़ उमड़ी। सपा ने तस्वीरें ट्वीट करते हुए लिखा, पूर्वांचल की धरती से स्पष्ट है संदेश, 22 में आ रहे अखिलेश। तो दूसरे ट्वीट में लिखा, युवा बेरोजगारों का इनकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा। अखिलेश के साथ यात्रा में सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर, राम अचल राजभर, संजय चौहान और कृष्णा पटेल भी शामिल हुए। जौनपुर में अखिलेश ने कहा कि भाजपा सरकार ने खेती, किसानों के साथ युवाओं और आम आदमी सबको बर्बाद कर दिया है। ऐतिहासिक जन समर्थन बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक हार होगी। ये ऐतिहासिक समर्थन और इत्साह जोश ये ऐलान कर रहा है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक हार होने जा रही है। तो वही सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने महंगाई का मुद्दा उठाते हुए कहा कि कहा तो वादा था किसानों और गरीबों की आय दुगनी करने का, लेकिन एक तो लोगों के पास नौकरी नहीं, मगर जिनके पास बची है महंगाई ने उनकी कमाई पर डाका डाल दिया। बीजेपी को महंगाई के सवाल पर कौन वोट देने को तैयार है? हम पूर्वांचल से आते हैं, 163 सीटें हैं, 150 सीट इनको नहीं जीतने दूंगा। आप देखिएगा एक महीने के बाद पूर्वांचल में इनका खाता नहीं खुलेगा।